डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर वन के शॉर्ट वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सिलेक्टेड कुछ लॉन्ग आंसर ले रहे हैं जो इस प्रकार हैं। हमने शुरुआत की यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर से। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ, मतलब कि पानी के मुख्य स्रोत क्या हैं और मानव जीवन में उसका क्या महत्व है। तो देर आर फोर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के चार स्रोत हैं अगर देखा जाए तो। पहला है सरफेस वाटर, मतलब धरातल का जल। दूसरा है ग्राउंड वाटर, मतलब कि जो ग्राउंड पर होता है, जमीन पर होता है। एटमोस्फेरिक वाटर, ग्राउंड वाटर मतलब कि जो जमीन के अंदर होता है। एटमोस्फेरिक वाटर, एटमोस्फेरिक मतलब कि जो एटमोस्फेयर से हमें पानी जल प्राप्त होता है। और चौथा है ओशनिक वाटर, मतलब कि महासागर से मिलने वाला जल। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा सरफेस वाटर, मतलब धरातल का जल। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, जो धरातल का जल है नदियाँ तालाब और झीलों में हमें प्राप्त होता है। रिवर्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया, भारत में अगर देखा जाए तो नदियाँ सबसे मुख्य स्रोत है जल के लिए। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ भारत के हर भूभाग पर पाई जाती है। थ्री मेन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर तीन प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा नदी, इंदस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। एंड द कैरी नियरली 60% ऑफ टोटल सरफेस, और कम से कम इन नदियों ने भारत में 60% जल वाले भूभाग को घेर रखा है या कवर कर रखा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो कितने हैं और उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है। तो चार है, सरफेस है, ग्राउंड है, एटमोस्फेरिक है और ओशनिक है, मतलब कि धरातल का है। अंडरग्राउंड वाटर है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। एटमोस्फेरिक वाटर है जो एटमोस्फेयर से मिलता है। और ओशनिक वाटर है, ओशनिक मतलब कि जो महासागर सागर से मिलता है। और सबसे ज्यादा हम देखें तो भारत में तीन बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इन तीनों नदी ने एक बड़ा भूभाग जो है भारत में कवर कर रखा है, जिसके कारण जो इन नदियां हैं वह इनकी सहायक नदियां हैं। और एक बड़े जल का भूभाग अगर किसी नदी ने कवर कर रखा है तो वो ये तीन नदियां है। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो सरफेस जितना भी धरा भूभाग जल जली भूभाग है उसका 60% भाग इन तीन नदियों ने जो है उसे घेर रखा है या जल के द्वारा कवर किया हुआ है। यह हमारे लॉन्ग आंसर का फोर्थ है जो कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो सरफेस वाटर है मतलब वो क्या है और कितने प्रतिशत मीन्स भूभाग ने उसे किस किस नदियों के नदियों ने कितने प्रतिशत भूभाग से अपने जल से जो है इसको कवर किया हुआ है, मतलब भारत के जलीय भूभाग को कवर किया हुआ है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ पर जाते हैं इसी क्वेश्चन के। और नेक्स्ट पैराग्राफ में वाटर इन इंडिया अमोंग द मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर एट 8th and 10th place रेस्पेक्टिवली, अगर देखा जाए तो जल का भूभाग तो घेरा हुआ है लेकिन जो प्रमुख नदी है उसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ने 8 स्थानों पर जो है वाटर सरफेस कवर किया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड, भारत बारिश का कुछ जल धरती के द्वारा सोख लिया जाता है। ओनली 60% रिचेज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जिसका 60% जो भाग है वो मिट्टी में होता है। विच इज वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन टू ग्रो, ये खेतों के लिए और वनस्पति के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख उपयोगी होता है। रेस्ट ऑफ वाटर पिस्क्यूलेट्स एंड इट इज कलेक्टेड बिलो द सर्फेस एज ग्राउंड वाटर, इसी प्रकार जो धरती जिस जल को सोख लेती है और जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। इट इज ऑब्टेन ऑन द सरफेस थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स एंड इट इज यूज ह्यूमन बींग्स फॉर इरिगेशन पर्पस, गार्डनिंग एंड इंडस्ट्री पर्पस। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको मनुष्य वेल के माध्यम से, कुओं के ट्यूब वेल्स मतलब कि बोरिंग होल के माध्यम से या फिर साथ साथ से प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य उसका उपयोग इरिगेशन मतलब कि सिंचाई के लिए, गार्डनिंग मतलब कि गार्डन वगैरह में, या इंडस्ट्रियल पर्पस मतलब कि औद्योगिक उपयोग के लिए उसका मनुष्य उपयोग कर सकता है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट था हमारा सरफेस वाटर, सेकंड हुआ ग्राउंड वाटर। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर मतलब कि वातावरण से मिलने वाला जल। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड, मतलब कि ये वाटर वेपर के रूप में होता है, एक कह सकते हैं हम भाप के रूप में। एटमॉस्फेरिक वाटर जो होता है मतलब जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो एक भाप के रूप में रहता है। जैसे कि हम ठंडी हवाएं हम फील करते हैं तो ठंडी हवाओं में पानी ही होता है,
जिस कारण वो जो पानी होता है वो स्टीम बना हुआ होता है, भाप बना हुआ होता है, और उस पानी के कारण ही हमें मौसम में ठंडा ही मतलब ठंड जो है या ठंड का एहसास होता है वो इसी एटमोस्फेरिक वाटर में होता है। इसका हम उपयोग नहीं कर सकते, मतलब कि सरफेस वाटर का हम उपयोग कर सकते हैं, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर का हम उपयोग कर सकते हैं, बट एटमोस्फेरिक वाटर का जो उपयोग है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ जो मतलब मशीनें या साधन है वो अभी आम जनता के पास नहीं है या आम कॉमन मैन के पास नहीं है कि वो एटमोस्फेरिक वाटर मतलब कि जो हवाओं के साथ जो पानी चल रहा है उस जल का उपयोग कर सके। तो यहाँ पर हमारा तीसरा दो पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा है। अब तीसरे पॉइंट में हमें ये क्लियर हुआ है कि जो पानी का फॉर्म है वो वेपर के रूप में होता है, मतलब कि वाष्प के रूप में होता है, और उसका जो उपयोग है हम नहीं कर सकते, मतलब इट इज नॉट यूज्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटमोस्फेरिक वाटर के अगले पैराग्राफ में क्या है। ओशियनिक वाटर, यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया, ओशियनिक वाटर। दिस टाइप ऑफ वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री, इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड ओशियन आर इन द वेस्ट ईस्ट साउथ ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली। अगर देखा जाए अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पश्चिमी, पूर्वी और साउथ की भाग में हमारे देश के तीनों ओर है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ आर एस फॉलो, जो मनुष्य के जीवन में वाटर जल का महत्व है वो इस प्रकार है। पहला है टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना। टू कंजर्व द सॉइल फर्टाइलिस्ट, द फ्लड मिट्टी को में जल शोषित करके रखता है जो चाहे भले वो बाढ़ का ही पानी क्यों ना हो। टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जल के माध्यम से ही बनती है, जो हमें प्राप्त होती है हमारे घरों में खेतों में चलने वाली बिजली जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। टू प्रमोट नेविगेशन थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, आना जाना एक स्थान से हम कर सकते हैं कैनल्स और रिवर्स के माध्यम से। टू प्रमोट टूरिज्म एज बीच टूरिज्म, बीच वगैरह का निर्माण हो सकता है जिस पर आसानी से इंसान क्या कर सकता है, घूम फिर सकता है, अपना समय व्यतीत कर सकता है। टू प्रमोट फिश कल्चर, अगर देखा जाए तो फिश कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है, मतलब मछली पालन या मछली पालन का जो भी मतलब कार्य चल होता है वो भी जल के माध्यम से ही होता है। टू स्टोर वाटर विच कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पस, अगर देखा जाए तो हम पानी को स्टोर कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भागों में हम इसका क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के उपयोग कामों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि जो जल है उसका क्या क्या उपयोग है। तो हम इरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, उपजाऊ क्षमता को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है। नेविगेशन मतलब कि हम आना जाना कर सकते हैं नदियों के माध्यम से, सागरों के माध्यम से। उसके बाद जो टूरिज्म है, बीच वगैरह का निर्माण करके हम टूरिज्म को बढ़ावा कर सक दे सकते हैं जिससे ज्यादा मात्रा में पैसा मिल सके। फिश कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं और साथ साथ ही हम किसी भी प्रकार के उपयोग में हम इसका कार्य किसी भी प्रकार के काम के उपयोग में हम इसका उपयोग इस जल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी, वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और इसका क्या कारण है। तो व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी, डिस्क्राइब द मेथड्स। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग आर द क्रूसियल मेथड्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन, जल के संरक्षण की कई सारी नीतियां या स्टेप्स हैं या कदम है जो इस प्रकार है। तो टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनेज ऑफ, पहले तो रेन वाटर को आप कलेक्ट कर लो, उसे बहने मत दो, उसे बह करके कहीं आगे जाने मत दो। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर पर, जितने भी वैज्ञानिक प्रबंधन है वो हर तरह के प्रबंधन आपके पास वाटर स्रोत मतलब जल स्रोत के पास होना ही चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पॉल्यूशन, आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी जल के स्रोत हैं उनको इंडस्ट्रियल मतलब कि औद्योगिक और जितने भी मतलब डोमेस्टिक जितनी भी गंदगी निकलती है उस गंदगी से हमें दूर रखना है, मतलब कि जल के स्रोत को स्वच्छ जगह रखना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर, देखें अगर इन तीनों पॉइंट में, तो पहला ये है कि आप बारिश के जल को बचा करके रखें, उसे ज्यादा मिनसफो ना होने दे, बहने ना दे, ड्रेनेज नहीं होने दे। दूसरा है साइंटिफिक मेथड्स अपना है, आप जल को बचाने के लिए जितने भी वैज्ञानिक तथ्य या प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार आप कार्य करें। और तीसरा है यहाँ पर कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पोल्यूशन, मतलब कि घरेलू प्रदूषण या इंडस्ट्रियल मतलब कि औद्योगिक जो प्रदूषण है उससे भी आप जल के स्रोत को दूर रखें। ऐसा नहीं कि घर की गंदगी भी नदी किनारे, औद्योगिक की गंदगी भी नदी किनारे और वो जो जल है वो वेस्ट होता ही जा रहा है, ऐसा ना हो। इससे यह होगा कि जो आपका जल का स्रोत है वो दूषित हो जाएगा और फिर आप गंदे जल में अच्छे जल को मिलाएं या अच्छे जल में गंदे जल को, वो जल गंदा ही होना है तो आप उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी यहाँ पर बात कही जा रही है कि जल को आप कैसे बचा सकते हो। यहाँ पर 3 स्टेप्स हम हमारी बुक के माध्यम से जान रहे हैं, बाकी आगे जो न्यू स्टेप्स हैं हम वो नेक्स्ट पेज में
जानेंगे। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं दो क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी, कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसकी क्यों जरूरी है, और इसी के और में दिया हुआ है क्वेश्चन जो 2009 में भी पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, मेन एग्जाम में। और क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी, डिस्क्राइब द मेन मेथड्स, वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और उसकी मेथड्स आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है या वर्णित करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन का यह एक ही आंसर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये वही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाले आगे इस आंसर की डिटेल्स में और क्या दिया है। लास्ट लाइन लिखी हुई है इस पेज पे, द अवेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर, मतलब कि जो जल की अवेबिलिटी है वो किस लिए है या किस चीज के लिए है। तो जो अवेबिलिटी है वो किस लिए है वो हम अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस इज इंडिकेटेड एंड इरेगुलर इन अवर कंट्री, जो एग्रीकल्चर का कार्य है वो रेगुलर नहीं है, 6 महीने होता है 6 महीने नहीं होता। बिंग द मानसून द बल्क ऑफ रेनफॉल इज कन्फाइंड अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 3 और 2 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने ही हमारे यहाँ बारिश का मौसम रहता है। इवन द प्लेसेस ऑफ हाई रेनफॉल लाइक चेरपूंजी एंड कोकन हैविंग हैवी रेनफॉल फेस स्कैरसिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, सूखे के समय सूखा होता है, बारिश के समय बारिश होती है और कभी कभी बारिश भी नहीं होती और सीजन सूखा हो जाता है। सेकेंडली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइक्वल, फॉर एग्जाम्पल अवर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड एब्यूमेंट ओनली इन नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री इट सप्लाई इज इंडिकेटेड। अगर देखा जाए तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे नॉर्थन और साउथर्न के समतल भूमि है और वहां से जो है पूरे वाटर सप्लाई करना वो पूरी कंट्री में वो पॉसिबली नहीं है। द रिवर वाटर ऑफ कंट्री इज आल्सो नॉट वेल, जो रिवर वाटर है वो भी लंबे समय तक नहीं होता। कनेक्ट बाई कैनल्स, जो कि कैनल से जुड़ा जिसको जुड़ा हुआ होना चाहिए वो भी नहीं है, ना कुएं जुड़े हुए हैं। इन शॉर्ट द सप्लाई ऑफ वाटर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन मानसून एंड आल्सो द टोपोग्राफी ऑफ लैंड। अगर देखा जाए तो जो जल की सप्लाई है, जो पानी की सप्लाई है, वो भारत में सिर्फ बारिश के समय होती है, जब पूरा भारत जल से प्रफुल्लित होता है या पूरे भारत में जल होता है, सिर्फ एक बारिश का ही मौसम होता है। बाकी जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर पानी की कमी हो जाती है और निचले क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जल जो है वो पहुंचता है, और ऊपर नीचे होने के कारण जो कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई है वो करने में अभी तक वो चीज हो नहीं पाई है। और साथ साथ ही जो मतलब जल की सप्लाई है जिस तरीके से मीन्स होना चाहिए वो सिर्फ बारिश के समय ही होती है, जिस कारण संपूर्ण भारत में जल होता है, जिसके कारण इंसान जो है पूरे अपने बारिश के मंथ को छोड़ मतलब रेनी सीजन को छोड़ करके बाकी के सीजन्स की जो में जो जल की पूर्ति है मनुष्य वहीं से करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसमें बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य जल की पूर्ति करता है और भारत में कैसे जल की पूर्ति होती है, कब बारिश होती है कब नहीं होती है, और बाकी अन्य चीजें भी कैसे चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमने ये दोनों चीजें सीखी हैं। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है अब लॉन्ग आंसर लिख करके कॉपी में कंटिन्यू यहाँ से 4 और 5 करना राइट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लॉन्ग के हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है अगला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लॉन्ग आंसर का है चैप्टर नंबर 1 का। 2 क्वेश्चंस में हमने वाटर के बारे में जाना कि कितने वाटर, कितने टाइप्स के वाटर होते हैं और जल को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आगे बढ़कर करते हैं। देयर फॉर वी फील दैट इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द प्रिस्क्रिप्शन नेचुरल रिसोर्सेज, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित ही रखना है या सुरक्षित ही रखना है। रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स मे बी यूज फॉर इरीगेशन बाई कंस्ट्रक्टिंग अ कैनल, कैनल का निर्माण करके आप इरीगेशन के लिए जल की सप्लाई कैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसे नहर कहा जाता है। सिमिलरली डैम्स मे टू कंस्ट्रक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और कई सारे डैम्स बना करके आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का भी उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे आसानी से आप अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट है। देयर
इसी प्रकार हमने फील किया कि जो जल है उसका क्या क्या उपयोग है। कैनल्स के माध्यम के नहरें बना करके हम सिंचाई कर सकते हैं, और साथ साथ ही हम क्या कर सकते हैं, डैम बना करके या जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो जल का होना हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, नेसेसरी, कंपलसरी, मीन्स जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नेसेसरी, व्हाट आर द मेजर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 2011 में पूछा गया कुछ प्रश्न है ये कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और क्या क्या मेजर्स, क्या क्या मापदंड इसके लिए लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो इसका आंसर है डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज इंडेंजर्ड प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। आज अगर देखा जाए तो जंगल कम हो रहे हैं और वन्य जातियां, जीव जंतु, जंगली जीव और प्लांट सभी खतरे में। सेवरल स्पेसिस हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, कई सारी प्रजातियां आज लुप्त होने की कगार पर है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, द गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी प्रोग्राम्स। जो लुप्त जातियां हैं उनको बचाने के लिए सरकार कई तरह की नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। गवर्नमेंट देयर आर आल्सो प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड मार्गोस एंड कोरल्स रिफ्स अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम वाले जहाँ जानवर, मनुष्य जानवर आसानी से रह सके, ऐसी जगहों का निर्माण किया जा रहा है जहाँ ज्यादा से ज्यादा जंगल हो और कई सारी चीजें हो, जहाँ पर कि आसानी से वहां पर जंगल जो जंगली जीव है वो अपना जीवन व्यतीत कर सके और जीवित रहे। ऐसे कई सारे वन्य अभयारण्य, जंगली चिड़ियाघर जो है सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। कोरल रिफ्स एंड कैरेक्टराइज बाई हाई बायोमास प्रोडक्शन एंड रिच फ्लोरल एंड फोनल डाइवर्सिटी फॉर कोरल रिफ्स हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर कंजर्वेशन। आज चारागाह, जंगल, हरियाली सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, ऐसी जगहों का निर्माण किया जा रहा है कि जहाँ जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको आसानी से क्या किया जा सके, बचाया जा सके और वो उस जगह पर क्या हो सके, जीवित हो सके या जीवित रह सके। ये सारी चीजें और सारे कदम जो हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि जिसके कारण आसानी से जंगली जीव और उनकी विलुप्त होने वाली प्रजाति को सरकार बचाने में कहीं ना कहीं अपनी सफलता प्राप्त करे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया हमें कि कई सारी प्रजातियां और कई सारे पौधों की प्रजातियां भी और जानवरों की प्रजातियां भी आज लुप्त होने की कगार पर है, और उनको बचाने के लिए सरकार ऐसे वन्य अभयारण्य का कार्य कर रही है जिसके कारण सरकार उनको बचाने में जितना जितना हो सके उतनी अपनी तरफ से मदद कर रही है ताकि उनको बचाया जा सके और आने वाले समय में भी, आने वाली पीढ़ी भी इन सभी जानवरों को देख पाए और आने वाले समय तक, लंबे समय तक जो भारत में जानवरों की प्रजातियां पाई जा रही है जिनके कारण आज भारत देश चर्चा में रहता है, जिन पशु पक्षियों के कारण आज उस प्रजाति को भी भारत के नाम से जाना जाता है और भारत का तो राष्ट्रीय पशु और पक्षी भी चिन्ह भी पशु पक्षी ही है, तो उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने इसमें क्या किए हैं, अपने कदम उठाए हैं। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। हंटर्स आर पेंसल्ड, मतलब कि हंटर्स मतलब कि आज शिकार पर रोक लगा दी गई है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं जो इस प्रकार है। सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स। सेफ गार्डिंग मतलब कि राष्ट्र की तरफ से पूरी पूरी सुरक्षा इन जानवरों को दी जा रही है। पोचिंग शुड बी रिस्ट्रिक्ट जो है, अगर देखा जाए तो शिकार करना है या जानवरों की खाल वगैरह या शौक या जो भी जानवरों से प्राप्त होने वाली चीजें उन पर पूर्णतः बैन लगा हुआ है। एस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरियाज, जंगली क्षेत्रों में बायोस्फीयर रिजर्व का भी निर्माण किया जा रहा है। एजुकेशन पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा रहा है ताकि एनवायरमेंट का वो प्रोटेक्शन कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके। इम्प्लीमेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और ज्यादा से ज्यादा जंगली जीवों को बचाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ प्रबंधन प्रोग्राम्स है वो भी लोगों को बताए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इस चीज का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके और लोगों को भी पता चले कि वन को बचाना और जंगली जीवों को बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। तो कहीं ना कहीं हंटर्स मतलब शिकार पर रोक लग गई है, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ जानवरों को सुरक्षित रखा जा रहा है और साथ साथ ही
बायोस्फीयर का भी उसमें निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से, किताबों के माध्यम से भी आज ये चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में वह वन्य वन्य प्रजातियों की क्या कर सके, रक्षा कर सके और हमारे पर्यावरण को बचा सके। और साथ साथ ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, मतलब की जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड जंगली जीव प्रबंधन प्रोग्राम से उनको भी सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि क्या हो सके, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम में उसका विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा वन्य प्रजाति जो लुप्त हो रही है उन प्रजातियों को बचाया जा सके। ये सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है जो हमें इसमें क्लियर हुए। यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हमारी स्टडी के माध्यम से किए हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये कंप्लीट करना है और साथ साथ ही अपनी नोटबुक नेक्स्ट टाइम आप जब भी विद्यालय आए तब आपको चेक करवाने के लिए लाना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है।